हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, ना लास्ट वीडियोदल्ली के कर्नाटक टीईटी पेपर वन पत्रिक पार्ट वन पार्ट टू एक्सपेक्टेड आंसर कीज़ अन्नु डिस्कस माडिदीवि। ई ओंदु वीडियोदल्ली ना उळिद पार्ट थ्री फोर एंड फाइव बग्गे एक्सपेक्टेड आंसर्स अन्नु डिस्कस माडोण। इल्ली नानु आंसर्स अन्नु मात्र निमगे हेळ्ता होग्तीनि। क्वेश्चन नंबर 61, द स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स द डेवलपमेंटल आस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड इज, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, द चेंजेस इन द बॉडी दैट कैन बी मेजर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इज, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देन क्वेश्चन नंबर 63, द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू गेट अलॉन्ग विद वन सेल्फ एंड अदर इंडिकेट्स ऑप्शन 2, सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 64, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोशलाइजेशन मीन्स, हियर द राइट, आई थिंक द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, अडाप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरमेंट। 65, अकॉर्डिंग टू विगोटस्की इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, लैंग्वेज हैज नो इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 66, अ टीचर इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स मोटिवेट स्टूडेंट्स टू, ऑप्शन 2, इंटरैक्ट एक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 67, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज, ऑप्शन 4, डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 68, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, टू नोटिस देयर मोटिवेशंस इंटेंशंस एंड टू वर्क इफेक्टिवली विद देम रेफर्स टू, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, सोशल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 69, दी प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स हेल्प द टीचर टू, आई थिंक द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, एडजस्ट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 70, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड एडजस्टिंग द करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासरूम हेल्प्स द टीचर टू, ऑप्शन 2, मिनिमाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 71, अ मेजर टू मिनिमाइज जेंडर बयास इन क्लासरूम इज, ऑप्शन 3, असाइनिंग सेम एकेडमिक टास्क टू बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 72, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स असेसमेंट इज, ऑप्शन 2, टू जज द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर लेवल, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स डिजायर्ड गोल्स ऑफ लर्निंग द फैक्टर टीचर्स नीड टू असेस इज, ऑप्शन 3, द एक्सटेंट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 74, द मेन फोकस इन असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, ऑप्शन 4, टू बिल्ड स्किल्स ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 75, वन ऑफ द सेलियंट फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज, ऑप्शन 3, इट मेक्स इजी फॉर द टीचर टू इम्प्रूव चिल्ड्रन टू नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 76, द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू प्रोड्यूस आइडियाज ऑब्जेक्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दैट आर नॉवेल अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल रेफर्स टू, ऑप्शन 2, क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 77, द रैशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, ऑप्शन 3, स्पेशल चिल्ड्रन शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन इन क्लासरूम्स। क्वेश्चन नंबर 78, द टर्म डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन बी, मेंटल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 79, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन हाइपर एक्टिव इन क्लासरूम्स। क्वेश्चन नंबर 80, थिंकिंग हैज अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, लीड्स द चाइल्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली। क्वेश्चन नंबर 81, अ चाइल्ड एट पर्टिकुलर लेवल डेवलप स्किल्स फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, दिस इज इंडिकेटेड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, ग्रोइंग अप फिजिकली। क्वेश्चन नंबर 82, द वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस पोटेंशियल फॉर लर्निंग इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 83, बिहेवियरल चेंजेस दैट ऑकर ड्यू टू लर्निंग आर, ऑप्शन 4, सब्जेक्ट टू चेंज क्वाइट ऑफन। क्वेश्चन नंबर 84, अ चाइल्ड इज मोटिवेटेड टू लर्न अ कॉन्सेप्ट,
on his own by problem solving approach, then the first step for the child to learn is option 3, collection of relevant information. Question number 85, children learn a content well when option 4, the content is well organized. Question number 86, social context of learning involves option 4, receiving knowledge from teachers. Question number 87, meaningful learning occurs when there is an active creation of knowledge structures from personal experiences. Question number 88, an example of extrinsic motivation is option 3, a child doing homework as the teacher gives marks for each homework. Question number 89, cognitive psychology of learning focuses upon option 3, observation and learning. Question number 90, one of the personal factors that influence learning is option 4, readiness and willpower. Then question number part 4's answers, we will solve it later because we have to solve these mathematical problems. Here some I have solved of 92 question, for question number 92 the answer is 35 years. The remaining we will solve it later. Then question number 102, the answer is 4th one, cube root, the cube is 105, the option 2 is right answer. 107, option 3 is correct. 108, 15 is the right answer. 112, option 4 is the correct answer. 114, 0.1% is the right answer. 115 is 60%. Question number 117, the capacity of a water tank is 100 gallons, then its capacity in liters is 378.5 liters. Question number 118, conceptual understanding of a content among pupils mainly depends on, yes, option 2, content facilitation in inquiry approach. Question number 119, constructivist view of learning among children mainly emphasizes on, now option A, option 1, play an active role in construction of their own knowledge. Question number 120, the common characteristic in pre-operational stage of Jean Piaget cognitive development of a child is, I think option A is the right answer, hypothetic deductive thinking. Yes, part 5, environmental science. Question number 121, a ball of mass 150 g is hit by a bat. The ball starts to move with a velocity of 3 meter per second. The momentum of a ball, option 1, 0.45 kg/m/s. Question number 122, dust particles from a carpet will be removed by beating it. Identify the principle of physics used here. The right answer is option 4, Newton's first law of motion. Question number 123, force of attraction of earth on an object of mass 2 kg towards it. The option 1, 19.6 N. Question number 124, a boy is enjoying a ride on merry-go-round which is moving with a speed of 10 m/s. It implies about a boy. Option 3, moving with acceleration. 125, the statement true with respect to reflection of light is, option 3, angle of incidence is equal to angle of reflection. 126, unit of electric charge, option 3. Question number 127, home appliance used in order to reduce electricity consumption at home is, one which draws less power.
128, a person can see objects only at the distance greater than 40 centimeter to correct his disorder. He is advised to use the lens power, option 4, 1.5D. An example for artificial ecosystem is zoo. Question number 130, the amount of energy at the port tropic level is 8 kg. The energy available at the producer level is 8000 kg. 131, the first major disaster of air pollution is, option 2, London smog. 132, Amrita Devi Vishoni sacrificed her life to save Kejri tree. 133, the biomolecule referred as stop of life. The right answer is option 4, carbohydrates. 134, the deficiency disease caused by lack of vitamin A is, option 4, night blindness. 135, excess amount of following mineral in water responsible for yellow or brown stains in teeth. On the right answer is option C, fluorine. Question number 136, Kwashiorkor disease is caused due to, right answer is option 1, protein deficiency. 137, ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. 138, largest gland in the body is liver. Question number 139, the enzyme that does not function in the absence of HCI secretion in stomach. Yes, the right answer is option 3, pepsin. Question number 140, strength, elasticity and flexibility to tissues is provided by this fiber. The right answer is option 3, elastin and collagen. Question number 141, Puga Valley in Ladakh is suitable for this type of power generation, geothermal. Question number 142, the class of drugs used for the treatment of stress is, option 4. Question number 143, natural gas, petrol and coal are this type of fuel, option 2, fossil fuels. Question number 144, one of the most widely used drug in Iodex. Yes, the right answer is option A, methyl salicylate. Question number 145, a non-example for creative expression in EBS learning. Option 1, reading the creative novel. Question number 146, the core idea behind through observation in EBS learning. Option 1, constructing and reconstructing of knowledge based on his experience. Question number 147, it is important in teaching methods used for EBS. Option 3, allow the children to work together. Question number 148, we should integrate values in the teaching of EBS because, option number 3, EVS learning focuses on environmental disasters. Option 1, EVS learning focuses on affective domain of the child. Question number 149, questioning is a strategy in teaching learning. EVS is normally used for draw attention towards teaching. Question number 150, a science teacher gave his class for primary standard. He asked to draw digestive system by providing outline of human body. The main objective of the teacher in this learning process. Option 2, evaluate learner on the process of diagram. Okay friends, even the video dalli navu KRTET paper 1 patrikeya part 3, 4 and 5 expected answer ki gan discuss madidivi. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು.